अच्छा यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, कल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम मैथिंग गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो थैंक्स। तो ये क्या अमाउंट इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स, ये क्या होते हैं? तो मतलब क्या हो, अमाउंट इंक्लूसिव मतलब आप सेल्स टैक्स ऐड होने के बाद और एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स से पहले का। तो ये सारे मैंने आपको बात की थी ना, तो डिस्कस कर रहे थे टैक्स किस तरह कलेक्ट किया जाता है, किस तरह पे होता है। इसमें बताएं, इसमें रॉ मटेरियल वाले की बात करते हैं, इसमें अमाउंट इंक्लूसिव कौन सा है, एक्सक्लूसिव कौन सा है? इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बताएं, 40 और इंक्लूसिव 46 हो जाएगा। इसमें बताएं एक्सक्लूसिव कौन सा है, 200 इंक्लूसिव 230 हो जाएगा। तो बिफोर टैक्स एक्सक्लूसिव कहलाएगा और आफ्टर टैक्स ऐड होके इंक्लूसिव हो जाएगा, ये बताएं। ठीक है, तो जिस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते, ये तो दिया सेल्स टैक्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, भले हैंड आउट में लिखा हुआ है ना, तो रीड कर लो, लिखा हुआ तो पढ़ते ही नहीं कर देंगे। अच्छा नहीं लिखा हुआ, क्या हुआ ना, बिल्कुल ये पढ़ते नहीं है, जो पढ़ेगा सब तो लिखा हुआ है। अच्छा इसके बाद कलेक्ट अच्छा हाउ सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्या करना है, कब हैंड आउट में कहने लिख लिख लें, जो लिख रहा है वो कॉपी कर लें, चला नेक्स्ट लिखें। तो द हाउस सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड, कल हमने डिस्कस कर लिया है, कल डिस्कस किया था, ये एग्जांपल पूरी आपको समझाई थी ना, सब आ गए थे ना, रॉ मटेरियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर और बेचारा कस्टमर कंज्यूमर, ठीक है। आखिर में कैलकुलेशन आ गई थी कि टोटल टैक्स कितना मिलेगा गवर्नमेंट को, जितना टैक्स कस्टमर ने पे किया उतना ही गवर्नमेंट को मिल जाएगा, सही। तो ये हो गया हाउ सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड। के बाद अब ये लिखते हैं, अभी हमने बात की थी अमाउंट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होता है बिफोर टैक्स, उसे हम नेट अमाउंट भी कहते हैं, और टैक्स ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा इंक्लूसिव, उसे ग्रॉस अमाउंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन में नेट अमाउंट लिखा हो या एक्सक्लूसिव लिखा हो बात है, और ग्रॉस अमाउंट हो या इंक्लूसिव लिखा हो बात एक ही। अच्छा ये बताएं एक चीज, यहाँ पर सेल्स टैक्स कितना परसेंट है? 15%। तो अगर हम नेट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट को भी परसेंटेज में शो करना चाहें, कितने परसेंट बनेगा, नेट अमाउंट कितना परसेंट होगा कि परसेंटेज क्या होगी, ग्रॉस की क्या होगी, नेट की क्या होगी, 100 और ग्रॉस अमाउंट 120, 115। सेल्स टैक्स कितना परसेंट है, नेट अमाउंट कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, 100 या 115 या 85 और 100, ये बता रहे नेट अमाउंट कितना होगा, 100 या 85, 100% टैक्स हो गया, 15% ग्रॉस 115 हो जाएगा। नेट अमाउंट हमेशा 100% होगा, इसमें सेल्स टैक्स ऐड करेंगे तो ये 115 हो गया। अगर टैक्स 10% होगा तो 110 हो जाएगा, टैक्स 20% हुआ तो 120%, तो ये परसेंटेजेस भी आ गए।
अमाउंट हमेशा 100% हो। तो और ये आगे लिख लेंगे कि नेट अमाउंट के लिए ये टर्म भी यूज होगी एक्सक्लूडिंग और ये इंक्लूडिंग। ये कॉपी कर लें, फिर इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन है तो वो आपको समझाता जो आगे यूज भी होगी। यहाँ तक कॉपी कर लेंगे परसेंटेज। अब इसमें ये नेट अमाउंट है 800, सेल्स टैक्स 15%, ग्रॉस अमाउंट 920 दिया हुआ, सारी परसेंटेजेस हैं। अच्छा, जब आपके पास अगर नेट अमाउंट हो सेल्स टैक्स 5 है, कैलकुलेशन क्या होगी? 120 जो हमने निकाला है, 3/15% की कैलकुलेशन क्या होगी? 800 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 15% सेल्स टैक्स आ जाएगा 120। अच्छा, अब अगर आपको ग्रॉस अमाउंट गिवन हो 920 और 920 से आपको सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना हो 120, फिर क्या आंसर होगा? हाँ, ये आप लोग जब तक सॉल्व कर रहे हैं आप अटेंडेंस ले लें, फिर मैं हाँ नेट अमाउंट से सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 120। ओके, अब आपको अगर ग्रॉस अमाउंट गिवन हो, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 920 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 115 हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं डायरेक्ट हमें निकालना है, आपको नेट अमाउंट पता ही नहीं है, क्या करेंगे पता किया फिर उसके बाद माइनस क्यों करा, तो जरूरत क्या है, तो डायरेक्ट निकाल लेना, क्यों काम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो इसे पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर नेट अमाउंट गिवन है तो डिवाइड आप करेंगे 100 से, और ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो डिवाइड करेंगे 115, बाकी मल्टीप्लाई दोनों में 15 से ही करना है। अच्छा, अगर यहाँ सेल्स टैक्स परसेंटेज 15 के बजाय 20 हो जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइडेड बाय 100 होगा नेट अमाउंट में, और ग्रॉस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा। यानी कि देखिए, जो वैल्यू आपको गिवन होगी ना, आपने उसकी परसेंटेज से डिवाइड करना है। नेट अमाउंट गिवन है 100%, 100 से डिवाइड करेंगे। ग्रॉस अमाउंट गिवन है तो ये 115, 115 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये 120 होगा तो 120 से डिवाइड कर। तो इसको आप इन शॉर्ट ये याद रख लें, जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसी की परसेंटेज से आपने डिवाइड कर। नेट गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे, ग्रॉस गिवन है तो 120, 115 जो भी परसेंटेज होगी। ग्रॉस अगर गिवन हो, नेट अमाउंट फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये भी बता देता हूँ आपको। ग्रॉस अमाउंट गिवन है, नेट अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है ये बता देता हूँ। और अगर इसमें क्या होगा, नेट अमाउंट के लिए इसे नेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेट अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, 920 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आप देखिए नेट अमाउंट की परसेंटेज कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ग्रॉस की परसेंटेज कितनी है, 115 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 800 डायरेक्ट आ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115। अब एक आंसर आप बताएं एक और। अब अगर आपको नेट अमाउंट गिवन है और ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि 800 से डायरेक्ट 920 कैलकुलेट करना है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे ये बाकी बताएं। हाँ, एट हंड्रेड दिया हुआ है नेट अमाउंट, कोई ग्रॉस अमाउंट निकालना है 920, 800 से 920 कैलकुलेट करना डायरेक्ट। वैसे तो टैक्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना, हमें डायरेक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें?
मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइडेड बाय क्या बोले 100 मल्टीप्लाई किसे करें, एक मिनट चाहिए जी, क्या करें, नहीं डिवाइड ही मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 100 तो डायरेक्ट 9 पॉइंट ही आंसर आएगा। लेकिन इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है ये बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही कि जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका डायरेक्ट तरीका बता, याद रखने का जो तरीका है, जिससे आप किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके। देखिए, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। पॉइंट क्या है, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। देखिए यहां मैं टैक्स फाइंड कर रहा था, फिर बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने टैक्स फाइंड करना था 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नेट अमाउंट फाइंड करना था 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट फाइंड करना था 115 से मल्टीप्लाई। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, और जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड। यहाँ गिवन क्या था, नेट अमाउंट 3 से डिवाइड किया, यहाँ गिवन था ग्रॉस अमाउंट 113 से डिवाइड किया, यहाँ गिवन था नेट अमाउंट 8 से डिवाइड, ग्रॉस अमाउंट गिवन था 115 से डिवाइड किया, यहाँ नेट अमाउंट गिवन था 100 से डिवाइड। ये पॉइंट क्या, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसके परसेंटेज से डिवाइड। हाँ, अब अगर आपको चले एक और चीज, आगे सेल्स टैक्स गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन होगी, वो ऐसा नहीं होगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज और है, उसी पे आ रहा, सब गिवन होगा, वैल्यू गिवन हो, फाइंड क्या करना है, ऐसा आता नहीं है नॉर्मल, लेकिन निकाल सकते हैं इसको, आप नेट अमाउंट के डिवाइड करने आ जाएगी, वो तो कर आता नहीं है लेकिन। अच्छा, अब एक कैलकुलेशन और चले, यहाँ बता देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये चीज आपके आगे तक काम आए, ये चीज ना कैलकुलेशन या फिर टू में सब जगह काम आए। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड। अच्छा, अब हम सेल्स टैक्स अगर गिवन हो और हमें नेट अमाउंट निकालना और ग्रॉस अमाउंट निकालना, फिर क्या करेंगे सेल्स टैक्स से, तो यहाँ पे मैं इधर ही लिखते हैं, वो तो जाएगा, अब कैसे होगा देख लेते। अब इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से स्पेस, ठीक। अब आपको सेल्स टैक्स दिया हुआ है 120 और नेट अमाउंट निकालना हो 120, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, नेट फाइंड करना है 100 से और डिवाइड 15 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 800। अब आपको अगर ग्रॉस अमाउंट फाइंड करना है, सेल्स टैक्स गिवन है, आप 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 15, तो डायरेक्ट 920 आ जाएगा। वही रूल, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे, जो वैल्यू गिवन है उसके परसेंटेज से डिवाइड। अब किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज नोट कर लें और इसको याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन आगे तक आपके काम आए। बाकी क्वेश्चन में नॉर्मली आपको नेट अमाउंट या ग्रॉस अमाउंट गिवन होता है, सेल्स टैक्स फाइंड करना है। कॉपी हो गया।
जब सेल्स है हमारी 15,000 की, ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स ऑन सेल्स। अब सेल्स हमने की है 15,000 की, इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और ये दिया हुआ आपको एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स मींस नेट अमाउंट, और नेट अमाउंट होता है 100% डिवाइडेड बाय 100 कर दें। अच्छा, अब ये है इनपुट टैक्स होता है वेट ऑन परचेज, परचेज हमने की है 10,000 की, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, और एक्सक्लूडिंग मीन्स नेट अमाउंट, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हेलो, क्लास में जी, तो क्या चल रही है? कौन है आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, तो 12:30 पर आए थे, 12:30, 1 बजे आ रहे हैं, 1 बजे फैकल्टी रूम में आ रहे हैं, फैकल्टी रूम। ओके, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? ठीक है, बाय। तो ये आउटपुट टैक्स हुआ 2250, इनपुट टैक्स 1500, और डिफरेंस आ गया 750, और पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा पेबल, सेल्स टैक्स पेबल 750। ठीक है, कॉपी कर लें, क्लियर? अगर माइनस होगा तो रिफंडेबल क्या है? पेबल। हर दफा काम नहीं आएगा, दोनों एक्सक्लूडिंग होंगे तब, दोनों इंक्लूडिंग हो तब, बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कॉपी कॉपी कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन है सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 20,000, परचेजेस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 16,000, सेल्स टैक्स 15% है, सॉल्व फाइव करें। तो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, सेल्स कितनी है? 20,000, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो अब ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो इंक्लूडिंग मीन्स ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस अमाउंट होगा 115%, डिवाइड करेंगे 115 से। अच्छा, इनपुट टैक्स वैट ऑन परचेज होता है, परचेजेस हैं 16,000, मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, और यहाँ भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो ये भी ग्रॉस अमाउंट है, इसे भी हम 115 से डिवाइड। क्या अभी आउटपुट टैक्स आ जाएगा? 26,608, और इनपुट टैक्स 2086। फिलहाल हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस 521 आ जाएगा। तो क्या अब ये भी पॉजिटिव है तो पेबल हो जाएगा, सेल्स टैक्स पेबल। ओके, हो गया, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सेल्स है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 5,000, परचेज इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 15,000, सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर सेल्स है 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और ये लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, डिवाइड कर देंगे 100 से। इनपुट टैक्स परचेजेस हैं 15,000, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स मीन्स ग्रॉस, तो इसको डिवाइड करेंगे 115। अभी कितना आ रहा है इन आउटपुट टैक्स? 750, और इनपुट टैक्स 1956, नॉट चलें ठीक फिलहाल, और डिफरेंस -1206। अच्छा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर मीन्स रिफंडेबल, रिकवरेबल,
और ये बन जाएगा हमारा एसेट। कॉपी कर रहे हैं अच्छा पहला जो क्वेश्चन है ये खैर एंट्री से रिलेटेड है, ये बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंट्रीज की अकाउंट हम बाद में बनाएंगे। नंबर 5 में टी अकाउंट बनेगा सेल्स टैक्स का, बाद में सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बताएं 116। अच्छा हमने डे बुक्स बनाई थी, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, जिसमें अमाउंट का एक कॉलम था ना। अच्छा वो जो हमने सेल्स डे बुक, वो जो डे बुक्स बनाई थी, वो एक ऐसे बिजनेस की थी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं था, उसमें सेल्स टैक्स नहीं था। अगर एक बिजनेस है जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, तो सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कर रहा है, परचेज करते वक्त टैक्स पे करता है, इसकी जो डे बुक बनेगी उसमें अमाउंट के फिर तीन कॉलम बनते हैं। अभी हमने जो डे बुक्स बनाया अमाउंट के एक कॉलम था, और रजिस्टर्ड बिजनेस होगा तो अमाउंट के तीन कॉलम बनेंगे। उसमें एक कॉलम होगा नेट अमाउंट का, नेट, दूसरा कॉलम होगा सेल्स टैक्स का, और थर्ड कॉलम होता है इसमें ग्रॉस अमाउंट। कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। सपोज अगर नेट अमाउंट है 200, टैक्स हमने चार्ज किया 30, तो ग्रॉस हो जाएगा 230। फिर इस तरह से सेल्स परचेज रिकॉर्ड की जाती है। हाँ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस होंगे तो उनके जो डे बुक है वो ऐसे बनेंगे, तो तीन अमाउंट अमाउंट के तीन कॉलम बनेंगे। अब इसका आंसर बताएं क्या होगा 116 का। सेल डे बुक, और अगर यहाँ पर परचेज की बात करता अगर परचेज डे बुक हो जाता, और अगर कैश सेल्स की बात हो, कैश रिसीव और कैश परचेज की बात हो, कैश पेमेंट, जो ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड होगी उसका टैक्स भी वहीं रिकॉर्ड हो जाएगा। के बाद आ जाए, ये तो हमने पहले किया हुआ है, ये आंसर। अच्छा ये अकाउंट की बात हो रही है तो हम बातें पढ़ेंगे। हाँ नहीं, वो एंट्रीज और टी अकाउंट वाले अभी नहीं कर रहे, तो सिर्फ तो कैलकुलेशन वाले वो करेंगे। 119 कैश बुक, तो ये एंट्रीज है बाद में करेंगे। 120 करेंगे ना, जो पढ़ा नहीं अभी, अभी आ जाओ। 121 इसमें आपको क्या है, सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज सॉल्व करें जरा आप लोग। देखिए अब इसमें लिस्ट प्राइस है आपकी, लिस्ट प्राइस कितनी है 1325। अब पहले हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कितना है 20%, तो ये बन गया 255, माइनस करके आ जाएगा 1060, ये नेट अमाउंट हो जाएगा। अब इसका 10% देंगे सेल्स टैक्स, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि 1060 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, टैक्स आएगा 106, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा 1166, ठीक है। तो फिलहाल हमें फाइंड करना है सेल्स टैक्स, तो आंसर होगा 106 ऑप्शन ए। इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद टैक्स ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा नेट और ये हो जाएगा ग्रॉस।
122 122। सेम क्वेश्चन है, सेम। ओके 122 ऊपर लिख दे। अच्छा देखिए इसमें लिस्ट प्राइस कितनी है, 12,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1200 माइनस करें 10,800 और इसका सेल्स टैक्स 15%, तो आप इसका 15% 1620, इसका आंसर हो जाएगा 1620 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर कर चुके हैं पहले, तो 124 नॉट रजिस्टर्ड है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा, सिर्फ डिस्काउंट माइनस करेंगे 95 आंसर आ जाए। अच्छा 125 एंट्री बतानी है, ये बाद में सॉल्व करेंगे। 126 में भी एंट्री है, आदमी होगा, ये भी बाद में सॉल्व करेंगे। ये हम चेक कर चुके हैं पहले, ये वाला लेके जाऊंगा मैं, बाद में करते हैं इसको भी एंट्रीज बताने के बाद, बाद में करते हैं इसका कैलकुलेशन है सर, लेकिन ये बाद में करते हैं। ये तो क्या हुआ डिस्काउंट वाला है, कर चुके हैं 130, ये हम लोग डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हैं पहले दिए हुए। ओके अब ये करते हैं 132 ये सॉल्व करें हम। अब इसमें क्या होना है, विक्टोरिया ये कौन है, सेल्स मटेरियल टू फ्रेजर, फ्रेजर मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम दिस मटेरियल सेल्स देम टू कस्टमर, हेलन गोज ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल सप्लायर है, एक मैन्युफैक्चरर है, तीसरा कस्टमर है। फाइन क्या कहता है, हाउ मच टैक्स इज पेड टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज बाय ईच पार्टी इन द ट्रांजैक्शन। अच्छा गवर्नमेंट यानी कि टैक्सेशन अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट हो गई ना, अब कौन कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को कौन पे करता है, कस्टमर या बिजनेसमैन देगा ना, तो इसमें कौन है, विक्टोरिया और फ्रेजर, इन दोनों को टैक्स देना होगा टैक्स अथॉरिटीज को ना, अभी दोनों कितना देंगे वो बता। तो वो जो कि हमने एग्जांपल की थी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, ये उस टाइप का क्वेश्चन करेंट। देखिए पहला कौन है 132, अच्छा पहले कौन है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया ने रॉ मटेरियल सेल किया कितने में, 240 में, 240 इसका टैक्स कितना होगा 17.5, कैलकुलेट करें 240 का 42 टोटल कितना आ जाएगा 280। जापान आगे सेकंड और फ्रेजर मैन्युफैक्चरर है ना, इसने सेल कितने में किए 360 प्लस टैक्स, में टैक्स ऐड कर लेते हैं इसका 360 का 17.5% कितना बनेगा 63, इसको ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा ना 426। अच्छा अभी दोनों कितना पे करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम सेल्स टैक्स टेबल, तो ये फॉर्मूला क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, फ्रेजर के लिए आउटपुट टैक्स कितना है, सेल्स पे चार्ज किया और इनपुट कितना है 42 जो उसने रॉ मटेरियल सप्लायर को पे किया था, अभी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 21। अच्छा इधर आते हैं
अब विक्टोरिया, विक्टोरिया का आउटपुट टैक्स कितना है? 42। चार्ज किया इसने 42, पे कितना किया? जीरो। ठीक है, इसको पे कितना करना होगा? 42। राइट, तो आंसर होगा 42 एंड 21, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर? जिसमें टिया कौन बनेगा बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी जाने दें। क्या 135, 135 सॉल्व करें? नहीं, टेबल है। 135 फॉर्मूला लिखते हैं, सेल्स टैक्स टेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स होता है वेट ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय 120। ओके, परचेजेस हैं 810 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। सेल्स टैक्स, सेल्स कितना आ रहा है? आउटपुट टैक्स कितना है? 200 माइनस 135, 65 आंसर होगा, टेबल ऑप्शन बी। क्लियर? आउटपुट टैक्स बी आंसर। ठीक है, आउटपुट टैक्स सेल्स टैक्स ऑन सेल। अच्छा, तो आंसर हो गया बी। अगर यहाँ आउटपुट की जगह इनपुट टैक्स लिखा होता फिर ऑप्शन ए हो जाता। फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है, जिसमें टी अकाउंट बनेगा बाद में करेंगे। 138, 138 डी आंसर। बेचारा कंज्यूमर जी, बेचारा लगाना जरूरी है, मैंगो मैन। 139 सॉल्व करें। ओके, 139 सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो वैल्यूज पुट करते हैं। सेल्स कितनी है? 24,600 मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से और डिवाइडेड बाय 100 माइनस, ठीक है, इनपुट परचेजेस हैं 15,200 मल्टीप्लाई बाय 17.5 और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि दोनों एक्सक्लूसिव हैं। आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है? आउटपुट टैक्स का अमाउंट 4305 माइनस इनपुट 660, तो 1645। अच्छा, अभी आंसर है पॉजिटिव, तो ये हुआ पेबल, सेल्स टैक्स पेबल
और पेबल की नेचर होती है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक मिनट। पहले